सो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स इन द चैप्टर। ग्राफ्स में हमारे पास तीन तरह के ग्राफ हैं, देखेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगर हम वैसे ग्राफ कई तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं, कई कई ग्राफ हो सकते हैं, बट मेनली इस चैप्टर में हम ये तीन डिस्कस करते हैं। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, और अगर ग्राफ ऐसा हो, इसमें हम टी हमेशा यहाँ पे लेंगे, एस हमेशा यहाँ पे लेंगे, तो देखिए आपका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका हुआ? रेस्ट। अगर ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब आपके टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, और वो भी यूनिफॉर्मली। इसलिए ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा ग्राफ, अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये भी, जब तक स्लोप इसका कांस्टेंट है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। मींस यहां पे हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। मींस अगर मैं आपका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर आप स्कूल गए, वहां पे कुछ टाइम तक बैठे क्लास में और वापस आ गए, तो देखिए इसमें आप यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में थे, यहाँ पे आप स्कूल की तरफ जा रहे थे, फिर आप रेस्ट पे थे बिकॉज आप क्लासरूम में बैठे थे, और उसके बाद आप रेस्ट पे आ गए, वापस घर पे आ गए, तो ये नेगेटिव हो गया। सो ये चीजें हमने इसमें देखी। एक और बात है, अगर इसमें यूनिफॉर्म एक्सलरेशन अगर मैं दिखाना चाहूं, अगर ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन अगर ऐसा होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होगा और डिसेलरेटेड मोशन कैसा होगा। अगर हम यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, डिसेलरेशन का मतलब क्या है? आपकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो आप ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब ये ग्राफ आपका टाइम की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हुआ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन जब भी होगा तो आपकी स्पीड तेज होगी, मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, मतलब ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, तो ये ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के ग्राफ आप अपने सिलेबस में देखेंगे। ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये हुआ वेलोसिटी और ये हुआ टाइम, इस केस में क्या है? आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब थ्रू आउट द टाइम आप पहले घंटे भी 30 चले, दूसरे घंटे भी 30 चले, चौथे घंटे भी 30 चले, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। इज दैट ओके? और अगर मैं ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और वो भी यूनिफॉर्मली, तो इसलिए ये ग्राफ क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्राइव करता हूं, ड्रॉ करता हूं, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मींस ये हुआ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिकॉज ये ग्राफ हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। नंबर वन, जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। जब तक स्लोप यूनिफॉर्म है तब तक आपका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। यही ग्राफ अगर, या फिर ये ग्राफ अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इसका मतलब दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, कभी एक्सेलरेशन हो रहा है, कभी रिटार्डेशन हो रहा, कुछ भी हो सकता है। दिस माइट बी एक्सेलरेशन बट डेफिनेटली नॉट यूनिफॉर्म, बिकॉज आपका स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा इसमें क्या है? जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देगा? ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों चीजों का ही यूज करते हुए हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस टू ए एस, या फिर एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, हम इन दोनों चीजों को यूज करते ही ड्राइव भी कर सकते हैं, जो कि इसके इमीडिएट बाद हम करेंगे।
तो ये बातें हमें याद रखनी है. तो ये मेजर ग्राफ है वेलोसिटी के, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज डिसेलरेटेड मोशन. और इससे अलग, अब मान लो अगर कोई ये ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ करता है कि दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल. ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज आपका सेम ही टाइम पे वेलोसिटी 10 भी थी, 20 भी थी, 30 भी थी, 40 भी थी, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं. अगर कोई ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज इसमें देखिए, टाइम अगर इस एक्सिस पे है तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है. तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इसमें टाइम की वैल्यू नेगेटिव जा रही है. तो ये कुछ पॉसिबल ग्राफ हैं और ये कुछ केस हैं जो ग्राफ पॉसिबल नहीं है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर आपका सीधी लाइन में इस लाइन से अगर ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है. अगर ये मीन पोजिशन मतलब जीरो से अगर ऊपर है तो ये एक्सेलरेशन है, और अगर जीरो से नीचे है तो ये रिटार्डेशन. ऊपर है तो एक्सेलरेशन, नीचे है तो रिटार्डेशन. ये दोनों क्या है? ये दोनों है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये दोनों क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इससे अलग कोई भी ग्राफ है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा आपके काम का है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत कम पूछा जाता है. डिस्प्लेसमेंट टाइम फिर भी पूछ लिया जाता है. तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने इस चैप्टर में देखा है ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अगर ऐसा है तो ये है रेस्ट पे, बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर ये ग्राफ ऐसा है तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन. मतलब इसमें आप स्कूल जा रहे हैं, इसमें आप स्कूल से आ रहे हैं. यही ग्राफ हमने ड्रॉ किया. आप स्कूल गए, रेस्ट पे थे, क्लासरूम में बैठे और वापस आप घर पे आ गए. इसी में अगर आपको एक्सेलरेशन दिखाना है, एक्सेलरेशन दिखाएंगे. तो एक्सेलरेशन कैसे दिखाएंगे? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस. इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे. और अगर आप डिसेलरेशन इसमें दिखाना चाहते हैं तो इसमें कैसे दिखाएंगे? आप कम सॉरी ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस, मतलब ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे. इज दैट ओके? सो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने देखा एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक रिटार्डेड मोशन है. और ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिकॉज वो आपको दो इन्फॉर्मेशन दे सकता है क्लियर कट. नंबर वन, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. जब तक आपका स्लोप यूनिफॉर्म है तब तक आपका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट्स एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? आप मान लो इसमें अगर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम चेक करें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसमें ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ऑल दिस ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों का ही यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्रॉ करेंगे, जो कि हम इसके इमीडिएट पार्ट हम देख सकते हैं.